तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। पहले सवाल को समझने की कोशिश करना। ये कहते हैं, एट ए डेप्थ डी, ये अर्थ का सरफेस है, ये रिफरेंस लाइन लेता हूँ मैं, और ये मैं डेप्थ डी नीचे चला गया, डी डेप्थ नीचे चला गया यहाँ से। एट सर वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बीकेम 4 टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू एट अर्थ। मतलब जी एट पॉइंट, इस पॉइंट, ये पॉइंट मैं ए बोल देता हूँ बच्चों, तो जी एट पॉइंट ए इज 4 टाइम्स बीकेम 4 टाइम वैल्यू एट हाइट 3 आर एबव द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ के ऊपर मैं जाता हूँ तो कितना ऊपर जाता हूँ भाई, 3 आर, रेडियस के 3 गुना जाता हूँ। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट बी। मतलब जी, अगर डी डेप्थ ऊपर नीचे गए हो तो जी की वैल्यू 4g इसके बराबर आ जाता है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो डी डेप्थ की, ये जो डी डेप्थ है, ये वेरिएबल डी डेप्थ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से जी की वैल्यू, तो डी डेप्थ देखोगे तो जी और 1 माइनस डी ओवर आर, डेप्थ डेप्थ वाला डेफिनेशन ये है, बराबर होगा यहाँ से 4 टाइम्स। अब यहाँ से तुम देखोगे जी की वैल्यू इज इक्वल टू आर, और आर प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो जी 1 माइनस डी ओवर आर इज इक्वल टू 4, और ये आर का स्क्वायर, और यहाँ से तुम देखोगे आर और एच की वैल्यू हाइट कितनी है, 3 आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें डी की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से जी टाइम्स, तो ये वाली जो जी है, इस जी को खा गई, तो 1 माइनस डी ओवर आर की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी ओवर आर इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस 1/4 की जो वैल्यू आ जाएगी, वो डी ओवर आर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से तुम डी की जो वैल्यू तुम देखोगे, दैट इज 3/4, दैट इज डी ओवर आर। तो डेप्थ डी की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 आर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा 3 आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से तुम देखोगे ये 16 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 48, ठीक है, 4800 किलोमीटर। तो 4800 किलोमीटर, ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।